हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं रोज़ वाटर। इसके लिए मैंने ले लिया है फ्रेश रोज़ पेटल्स। ये फ्रेश रोज़ पेटल्स 30 से 40 पेटल्स हैं इसमें। और इसके साथ मैंने ले लिया है सीरम की बॉटल। अब इसको पहले हम लोग वॉश करेंगे एक साफ़ पानी से। यहाँ पे मैंने डीएम वाटर डाला है। डीएम वाटर से क्या होता है, शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है प्रोडक्ट की, और डीएम वाटर सेफ रहता है, प्योर रहता है। ये आरओ वाटर नहीं होता या टैप वाटर नहीं होता। डीएम वाटर की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी कहाँ से आपको परचेज करना है। ये मैंने 2 ग्लास डीएम वाटर डाल दिया, यानी कि डिस्टिल्ड वाटर। इसमें मैं फ्रेश रोज़ पेटल्स डालूँगी। रोज़ पेटल्स को मैंने पानी से अच्छी तरह से वॉश कर दिया है। और इसको 10 से 15 मिनट रखूंगी तब जब तक ये बॉईल हो जाए। आप देखोगे इसका कलर चेंज हो गया है, पूरा रेड से पिंक हो गया है। मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हो कि जो पानी हमने डाला था वो भी एकदम हाफ हो गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है जो पानी का। अब इसको हम लोग फिल्टर करके इसको एक बॉटल्स में डाल देंगे। रोज़ वाटर हमारी स्किन के लिए अच्छा रहता है, ग्लोइंग स्किन देता है और मॉइस्चर करता है। हमारे बालों के लिए भी अच्छा होता है और हमारी स्किन को फ्रेशनेस देता है, कूलनेस देता है। सो अभी देख रहे हैं कि ये कैसा दिखता है। अब इसको मैंने फिल्टर कर दिया है। और इसको किया, आप देख सकते हैं पूरा रेडिश कलर हो गया। अब इसको आप इसमें बॉटल्स में पोर कर सकते हैं। ये देखिए, ये पोर हो चुका है बॉटल्स में, रेड कलर का है प्योर। इसको आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू है। इसमें और कुछ डालने की ज़रूरत ही नहीं है। सो रेडी है आपका रोज़ वाटर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।